सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी किस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको शकरकंद की मीठी पूरी बनाना बता रही हूं, जो कि गर्मियों में काफी उपयोगी है और ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। और एक जानकारी और देना चाहती हूं कि जो ये शकरकंद है इसको कच्चा खाने से, जिनके मुंह से थोड़ा बहुत बातचीत करते हुए गंध आती है, दुर्गंध पायरिया वगैरह के वजह से, तो वो भाई बहन कच्चा कंद को चबा के देर तक चबा के खाएं, एक दो कंद, तो वो दुर्गंध और पायरिया में काफी लाभ होता है। ये जो मैं शकरकंद की जो पूड़ी बता रही हूँ ये गर्मियों के लिए है, जिनको ज्यादा पसीना वगैरह आता है, प्यास लगती है। तो पहले तो इसे शकरकंद की पूड़ी मैं तो एक रेसिपी है बता रही हूँ, इसको खाने से भी फायदा होता है। और जैसे कि बच्चे जा रहे हैं स्कूल तो उनको टिफिन में दे सकते हैं, पति को भी दे सकते हैं, नाश्ता में भी खा सकते हैं। ये काफी स्वादिष्ट और काफी हेल्दी है। ये आधा किलो शकरकंद है, इसमें पानी वगैरह नहीं डालते, तो मैं आपको इसकी पूरी रेसिपी बता के फिर बता रही हूँ कैसे बनाते हैं। तो ये जो शकरकंद की पूड़ी में जो सामग्री लगेगी वो बता रही हूँ। जैसे कि मैं आपको बताई हूँ कि इसमें पानी से नहीं इसको गूंथेंगे, ये गेहूं का आटा है, ये आटा हम उतने डालेंगे जितने में शकरकंद में गूंथ जाए। ये पीसी हुई शक्कर है, आधा किलो शकरकंद में 2 से 3 चम्मच शक्कर डालेंगे। ये ताजी मलाई है, ये भी 2 से 3 चम्मच है। इसको हम आटे में मोयन देने के लिए रखे हैं। ये तेल है जिससे हम पूरी को तलेंगे। ये हरे रंग की सौंफ है, सौंफ काफी औषधिपूर्ण चीज है, मसाले में भी काम आती है। सौंफ भी खाने से मुंह की दुर्गंध जो आती है वो दूर होती है, कई बीमारियां दूर होती हैं। खाना खाने के बाद सौंफ भी चबाना चाहिए। तो ये सौंफ भी हम इसमें हल्का सा कूट के डालेंगे, काफी स्वादिष्ट हो जाएगा। और ये काला नमक और भुना जीरा, इसको हम थोड़ा सा हल्का सा चटपटा बनाने के लिए डालेंगे। तो सबसे पहले हम शकरकंद को छील लेते हैं। जैसे कि शकरकंद का छिलका काफी पतला होता है, अगर मोटा रहे तो छीलना जरूरी है, पर ये पतला है, तो इसका मैं किनारे किनारे जो मोटा है उसको निकाल देती हूँ। और बाकी हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, पर मैं इसको छील रही हूँ। तो इसका ये हम मोटा छिलका को निकाल दिए हैं, अब इसको हम ऐसे मसल लेते हैं। इसको अच्छी तरह से मसल लें, इसमें गुट्ठी गुट्ठी ना रहे। और मिक्सी में नहीं पीसता है, हाथ से ही मसला जाता है। गुट्ठी रहेगा तो इसको बेलते नहीं बनेगा, अच्छे से इसको मसल लेते हैं। बाकी आटा के साथ भी सन के वो हो जाएगा, जो गुट्ठी है खत्म हो जाएगा। ये छोटे से खलबट्टा में हम इसको थोड़ा सा कूट लेंगे। इसको हम थोड़ा सा कूट लिए हैं, वैसे आप इसको बगैर कूटे भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसमें ये सौंफ डालेंगे, काफी स्वादिष्ट आता है। थोड़ा सा काला नमक और जीरा डालेंगे। ये पिसी हुई शक्कर है, 1-2 चम्मच डालेंगे। और ये मलाई है। जैसे हम खस्ता कुछ चीज बनाते हैं तो उसमें तेल या घी मिलाते हैं, उसी तरीके से हम इसमें ये मलाई मिलाए हैं। ये काफी हेल्दी और काफी स्वादिष्ट बन जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से पहले मोयन दे लेंगे, तो काफी आटा नरम हो जाएगा। अब की बार जब भी बच्चों का स्कूल खुले तो आप इसको टिफिन में बना के जरूर देना। तमाम बच्चे हैं वो टिफिन नहीं खाते हैं, वापस ले आते हैं, वही वही नाश्ता रोज दिया जाता है। तो कभी कभार इसको आप बनाना जरूर, इस बार ये पूरी तरह से मिल जाए, ऐसे हम इसको मोयन देते हैं तो ये काफी नरम रहता है। और ये इसको बना के जैसे आप रख भी देंगे तो ये कड़ा नहीं होता है, जो शकरकंद की पूड़ी है। या आप इसको दूसरी टाइम भी नाश्ते में खाने में खा सकते हैं, सब्जी से, अचार से। ये देखिए पूरी तरह से मोयन दिवा गया है। अब हम इसको शकरकंद में मिला के सान लेंगे। ये शकरकंद है, इसमें डाल देंगे। ये काफी आसान है। जैसे कि कई लोग शकरकंद को आटे की लोई में भर के बनाते हैं तो वो क्या है, बेलते नहीं बनता है। और जो मैं ये तरीका बता रही हूँ ये काफी आसान है, इसको छोटे बच्चे भी यानी बना सकते हैं, जो हॉस्टल वगैरह में पढ़ते हैं, कोई भी बना सकता है। इसको बेलने में काफी आसान है ये, इस तरीके का। ये इसमें पानी नहीं डाला जाता है। ये आटे को हम अच्छी तरह से गूंथ लिए हैं, क्योंकि इसमें
पानी नहीं पड़ा हुआ है तो इसको नरम होने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगेगा। इसको हम गूंथ के 15 से 20 मिनट रख देंगे तो इसका हम छोटा छोटा मनचाहे आकार का लोई बना लेंगे और फिर हम इसका पराठा बनाएंगे। ये काफ़ी आसान है, बिल्कुल ही बेलने में फटता नहीं है और जो भर के बनाते हैं वो बहुत दिक्कत होती है उसमें, वो बेलते ही नहीं बनता। ये देखिए काफ़ी आसान है और बहुत नरम बनता है। ये जो थोड़ा बहुत किनारे ये फट रहा है, ये खस्ता की वजह से फट रहा है, जो मलाई वगैरह डाले हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो किनारे में फट रहा है उसको फटने दीजिए, चाहो तो आप किनारे में उसको गोंठ के भी बना सकते हैं, यानी कि इस तरीके से ऐसे फट रहा है। कोई भी रोटी ऐसे फटती है तो हम लोग ऐसे उसको गोंठना बोलते हैं। ज़्यादा फटती है तो हम ऐसे कर लेते हैं और उस पर थोड़ा सा बेलन चला देते हैं, और अगर ज़्यादा नहीं फटती तो हम ऐसे ही बना लेते हैं। इसको हम मीठे तेल से बना रहे हैं, रिफाइंड तेल से। इसको आप घी से भी बना सकते हैं तो और भी काफ़ी स्वादिष्ट आएगा और ये बहुत ही नरम रहता है। जिनको मान लो बड़े से आने हैं, उनको दांत वगैरह नहीं है, वो बड़े आराम से इसको खा सकते हैं। इसको बना के रखने के बाद भी ये नरम ही रहता है। थोड़ा सा ऐसे चिमटा से दबा देते हैं हम तो अच्छी तरीके से पक जाता है। आँच तेज करके, कभी तेज कभी कम कर दे, अगर ज़्यादा आँच लगे तो इसको हम कम कर देते हैं। तो ये सीख गया है पराठा। पराठा शकरकंद का बनके तैयार है, मैं आप सभी को खाने के लिए दे रही हूँ। अपने घर का बनाया हुआ अचार, ये आलू बरबटी की सब्जी, ये मूली की सलाद, और आप लोग ऐसे ही बनाइए और खाइए। आगे भी मैं आपको इसी तरीके के देसी व्यंजन बना के बताऊंगी, तो आप खा के ज़रूर बताना कैसा बना है। और देखते रहिए आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।